फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजनी007 मैथ्स ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड, आज का पजल ट्रिक्स नंबर 400 चलिए देखते क्या है। चैनल पर है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का पजल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आप देख सकते हो फ्रेंड स्क्रीन पे ए एंड बी आर टू डिफरेंट डिजिट और इसे हमें सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू पता करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन क्विकली चलिए देखते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो को पॉज करके एक ट्राई आप भी जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। हो फ्रेंड, अब तक आपने ट्राई कर लिया, अपने कमेंट और फीडबैक शेयर कर दे। चलिए फ्रेंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे क्विकली। लेट्स सी द सॉल्यूशन। आज के ये पजल कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये मल्टीप्लीकेशन और ये वैल्यू दिए हुए फ्रेंड, और ए और बी का वैल्यू क्या होगा हमें पता करना है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को क्विकली कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड यहाँ हम ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे ए यूनिट प्लेस पे है, राइट, ये ए यूनिट प्लेस पे और ये ए टेंथ प्लेस पे है। टेंथ तो यहाँ का मतलब क्या हुआ, सिर्फ इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10a इंटू ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 38। यूनिट प्लेस से मैं 10 प्लेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो राइट फ्रेंड, तो यहाँ से 10a इंटू ए का वैल्यू क्या है, 38, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट सिमिलर टू 38। तो ए यहाँ से a इंटू ए का वैल्यू क्या होगा, सिमिलर टू 38। इसका मतलब कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो 38 के आसपास का होगा। तो आप नंबर में ध्यान देंगे फ्रेंड, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 38 के पास है। तो 5 का होता है वैल्यू 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49। तो आप देखेंगे फ्रेंड 25 बहुत ही कम है और 49 ज़्यादा, जो बीच का नंबर है 6, ये नंबर ही 38 के पास है। इसीलिए ए का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा फ्रेंड 6 इंटू 6, हम लेंगे 30, सिमिलर टू 38। अब आप ध्यान देंगे फ्रेंड यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं। अब हमें ए का वैल्यू मिल गया है 6, ए की जगह अगर हम 6 का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बना फ्रेंड, 6b इंटू 6 का वैल्यू क्या हो गया, 384। सिर्फ इतना पे ध्यान देना, ए बी और ए पे भी हम ध्यान दे रहे हैं अभी फ्रेंड। तो 6 ए का वैल्यू मैंने 6 पुट किया है, तो 6b इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि यहाँ पे 6 इंटू 6 क्या था, 36 होगा, और यहाँ पे वैल्यू है 38। इसका मतलब यहाँ पे मस्ट बी 2 कैरी ओवर हुआ होगा, राइट, तभी होगा 6 इंटू 6 36 प्लस 2 38 वैल्यू हमें ये मिलेगा। यहाँ से हमें फ्रेंड पता चल गया कि अगर b इंटू 6 का वैल्यू क्या होगा, 24, 4 यहाँ पे है 2 कैरी ओवर, तो यहाँ से b हमें मिल जाएगा फ्रेंड 34/6 करेंगे तो यहाँ से मिल गया 4। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड a का वैल्यू हमें मिल गया 6, b का वैल्यू हो गया 4। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आप देख सकते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड क्विकली आप इस पजल को, इस काइंड ऑफ पजल को आप सॉल्व कर सकते हो। कि आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह के फेमस मजेदार ट्रिकी पजल विद सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट पजल। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।